दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री कई सालों से बीते हुए हिस्टोरिकल इवेंट्स को ताज़ा करके हमें वंडरफुल सिनेमाटोग्राफी के साथ लाजवाब मूवीज़ की सौगात देती आ रही है और ये सभी फिल्में हमारी आंखों के सामने मानो जैसे इतिहास को जिंदा करके रख देती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी इन्हीं टाइप की फिल्मों के काउंटडाउन से जुड़ी हुई है। हमने इससे पहले की वीडियो में टॉप 5 इंडियन हिस्टोरिकल मूवीज़ के बारे में बात की थी और काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट में बताया कि उस लिस्ट में अभी भी काफ़ी फिल्में मिसिंग है और उसी कमी को पूरा करने के लिए दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 हिस्टोरिकल वॉर, क्राइम ड्रामा और एक्शन मूवीज़ जो बॉलीवुड में बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की। नंबर 10 पर आती है मूवी पलटन, जो सितंबर 2018 में रिलीज़ की गई थी। फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10 और दोस्तों ये मूवी बेस्ड है 1962 के इंडिया चाइना वॉर, जिसे हम सभी इंडो सिनो वॉर के नाम से भी जानते हैं। फिल्म के लीड कैरेक्टर्स हैं अर्जुन रामपाल, गुरमीत चौधरी। अगले नंबर पर है फ्रेंड्स, साल 2016 में आई एक्शन, रोमांस और हिस्ट्री जेनर फिल्म मोहनजोदड़ो, जिसमें एक्टर ऋतिक रोशन और पूजा हेड़गे हमें लीड रोल में देखने को मिले थे। फिल्म को IMDb की ओर से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और मूवी सेट है 2016 BC में, जब सिंधु घाटी सभ्यता ऊंचाई पर थी। ये कहानी है एक किसान सरमन की, जो मोहनजोदड़ो में व्यापार करना चाहता है और सरमन मोहनजोदड़ो चला जाता है और वहाँ जाने पर उसे ऐसा कुछ महसूस होता है जैसे वो शहर उसकी यादों से जुड़ा हुआ है। तभी वो चानी नाम की एक लड़की से मिलता है और एक रोमांटिक लव स्टोरी के बाद आखिर में चानी को पाने के लिए सरमन को वहाँ के हुक्मरान मुंजा से लड़ना पड़ता है और क्या वो उसके बाद चानी को अपना बना पाता है या नहीं, ये सब फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाया गया है। ऋतिक रोशन की बढ़िया एक्टिंग और फाइट सीन के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी। चार लाजवरद, ना एक कम ना एक अधिक, वरना सौदा रद्द समझो। जो मुट्ठी अब तक खुली हुई थी उसे बंद करने का समय आ गया है। क्या अंतर है तुझ में और मुझ में? अंतर है माम, तुझे मोहनजोदड़ो पे राज करना है और मुझे सेवा। नंबर 8 पर है 2010 की फिल्म खेले हम जी जान से, जिसमें अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण हमको लीड रोल में देखने मिलते हैं। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। आशुतोष गोवारीकर डायरेक्टर इस फिल्म की कहानी 1930 में हुए चिटागोंग विद्रोह के ऊपर बेस्ड है, जिसमें 64 निडर और साहसी जवान लड़के सूर्या सेन की गाइडेंस में ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर धावा बोल देते हैं और उसके बाद शुरू होता है गोलीबारी और मार धाड़ का एक गंदा खेल, जिसमें कई नौजवान लड़के मारे जाते हैं। क्या वजह होती है इस विद्रोह के पीछे, क्यों ये लड़के अंग्रेजों की जान के दुश्मन बन जाते हैं, ये फिल्म देखने पर हमको पता चलता है। और इस फिल्म की कहानी मैनिनी चैटर्जी की बुक डू एंड डाई द चिटागोंग अपराइजिंग से इंस्पायर्ड है। क्रांति में हिस्सा लेने क्यों जाते हो? आप क्यों हिस्सा ले रहे हैं? कंटोनमेंट, पुलिस लाइंस, टेलीग्राफ ऑफिस, इन सभी जगहों पे एक ही दिन धावा बोलेंगे और उन्हीं की हथियार और निशाना भी उन्हीं को बनाएंगे। नेक्स्ट मूवी है गाइस, बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान स्टारर इपिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी अशोका, जो ईयर 2001 में बड़े पर्दे पर आई थी। फिल्म में करीना कपूर शाहरुख खान के साथ लीड रोल में थी। मूवी के प्लॉट में राजा अशोक, जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं, अपने सौतेले भाई सुसीमा की जंग में मदद के लिए जाते हैं। तभी साउथ की ओर जाते हुए उनका दिल राजकुमारी कौरव के मोह में पड़ जाता है। फिल्म काफ़ी अच्छी है और इसमें हमें लव, वॉर और हिस्ट्री का एक बेहतरीन ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलता है। 3 घंटे की यह फिल्म है और रोटन टमेटोज पर इस फिल्म को 100% फ्रेश वोट मिले हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, नंबर 6 पर 2018 में हिट होने वाली हिस्टोरिकल स्पोर्ट ड्रामा फिल्म गोल्ड की, जिसमें अक्षय कुमार एक हॉकी टीम कोच के कैरेक्टर में थे और उन्होंने फिल्म में तपन दास का रोल प्ले किया है। तपन दास यानी वो आदमी जिसने 1948 के समर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। फिल्म की कहानी है इंडिया की फर्स्ट हॉकी टीम की, जिसने 1948 के ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल जीता था। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है हॉकी और स्पोर्ट्स लवर के लिए और IMDb पर इस फिल्म को 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये हमारा झंडा प्यास तक अपने सीने में दबाए रखा जाता है क्यों? एक दिन हमारा हिंदुस्तान आजाद होगा और फिर हम गोल्ड जीतेगा और हमारा झंडा लहराएगा और उसके नीचे हम लॉन्ग लिव द किंग नहीं गाएगा, अपना राष्ट्रगान गाएगा।
इस लिस्ट की टॉप 5th मूवी है एक्शन ड्रामा और थ्रिल के साथ फिल्म बाटला हाउस, जो अगस्त 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म के लीड कैरेक्टर्स है डॉन अब्राहम, मृणाल ठाकुर, नोरा फतेह एक्सेट्रा, और फिल्म को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। फिल्म को IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, फिल्म बाटला हाउस रियल लाइफ इंसिडेंट बाटला हाउस इनकाउंटर पर बेस्ड है, जिसे ऑफिशियली ऑपरेशन बाटला हाउस भी कहा जाता है। यह इनकाउंटर की वारदात हुई थी 19th ऑफ सितंबर 2008 में इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट ग्रुप और दिल्ली पुलिस के बीच, जो टेररिस्ट जामिया नगर दिल्ली में छुपे हुए थे। जॉन अब्राहम को मान्या सुर्वे जैसे भाई के रोल में देखने के बाद एक पुलिस ऑफिसर के रोल में देखना हम सभी को एक अलग ही सिनेमैटिक फील देता है। हमारी पाक किताब में ये लिखा गया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तुम आईएम के 100 लोगों ने ये पाक किताब पढ़ी है, बाकी के हमारे 17 करोड़ मुसलमानों को पढ़ना नहीं आता। दिल्ली से ऑर्डर आया है, कम से कम यहाँ तो सच बताइए। आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में सुनना नहीं है ना सर? लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इन्वेस्टिगेशन के अलावा आई हैव नथिंग। नेक्स्ट यानी नंबर 4 पर है मराठा साम्राज्य के योद्धा पेशवा बाजीराव पर बनी पेरोडिक ड्रामा फिल्म बाजीराव मस्तानी। फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10 और ये मूवी दिसंबर 2015 में रिलीज हुई थी। संजय लीला भंसाली डायरेक्टेड इस फिल्म में रणवीर सिंह बाजीराव के रोल में थे। बात की जाए मस्तानी से प्यार हो जाता है, वो मस्तानी जो खूबसूरत और वीरता की एक मिसाल होती है। इन सब बातों के बाद किस तरह से बाजीराव अपने रूढ़िवादी परिवार और उनकी खिलाफत के बाद भी अपने और मस्तानी के प्यार को कायम रखने की कोशिश करता है, फिल्म में बड़े रोमांटिक और इमोशनल सीन के साथ देखने को मिलता है। फिल्म बाजीराव मस्तानी 145 करोड़ में बनी थी, जबकि फिल्म ने सुपर हिट होने के साथ साथ 356 करोड़। बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी ने। दोस्तों, थर्ड मूवी है 2008 में आई इपिक हिस्टोरिकल रोमांस फिल्म जोधा अकबर। ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय ने इस फिल्म में जलालुद्दीन अकबर और महारानी जोधाबाई के रोल को बहुत ही परफेक्शन के साथ प्ले किया है। 7.6 आउट ऑफ 10 के IMDb रेटिंग के साथ इस फिल्म को फरवरी 2008 में रिलीज किया गया था। दोस्तों, फिल्म काफ़ी लंबी यानी ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की है, जिसमें दिखाया गया है 16वीं शताब्दी की लव स्टोरी और मुगल बादशाह अकबर और राजपूत रानी जोधाबाई के बीच एक सच्ची प्रेम कहानी को। पॉलिटिकली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग सम्राट अकबर अपने साम्राज्य की हदें कई दूर तक बढ़ा चुके होते हैं। अपनी काइंडनेस और पावर के चलते अकबर ने सभी हिंदुओं और राजपूतों का दिल जीत लिया होता है, लेकिन जब राजा अकबर रानी जोधाबाई से शादी करते हैं तो वो एक पॉलिटिकल खेल में उलझ जाते हैं और उसके बाद आपसी लड़ाई और रानी के प्यार को जीतने में वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। ये हमारा मुल्क है और हम इसके जिस्म पर लूट के जख्म नहीं देख सकते। हम हिंदुस्तान को गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। उसे ना कोई ऑफिशियल पोस्ट मिलेगी, ना सैलरी, ना मेडल, नथिंग। सेकंड लास्ट मूवी है फ्रेंड्स परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरान। ये एक 2018 में आई इंडियन हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है। फिल्म को अभिषेक शर्मा ने डायरेक्ट किया है और फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। दोस्तों, फिल्म 1998 में पोखरान में इंडियन आर्मी से किए गए परमाणु बॉम्ब टेस्टिंग पर बेस्ड है। जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में IAS अश्वथ रैना के कैरेक्टर को प्ले किया है। ऑफिसर अश्वथ को परमाणु हथियारों के डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए एक ऑपरेशन का काम सौंपा जाता है और साथ में उनको इस बात की जिम्मेदारी भी दी जाती है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसीज को इस ऑपरेशन का पता ना चले, तो कैसे वो अपने इस पूरे टास्क मिशन को पूरा करते हैं फिल्म में काफ़ी वंडरफुल वे में दिखाया गया है। हमें अगले 30 दिनों में यहाँ एक नहीं 6 न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट करने हैं। हमने जो सोचा वो देश के लिए था, हमने जो किया वो देश के लिए है, और हमने जो पाया वो देश का होगा। अब बारी आती है फ्रेंड्स लास्ट लेकिन सब में बेस्ट नंबर 1 पर फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की। उरी एक हिस्टोरिकल वॉर एक्शन फिल्म है जिसे ईयर 2019 में रिलीज किया गया था। फिल्म का IMDb स्कोर है 8.2 आउट ऑफ 10। विकी कौशल, परेश रावल, यमी गौतम, रोहित रैना और कीर्ति कुलारी फिल्म के लीड कास्ट में है। फिल्म 2016 के कश्मीर स्थित उरी पर हुए अटैक के जवाब में दुश्मनों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक को दिखाती है, जिसमें मेजर विहान सिंह शेरगिल ने अहम रोल प्ले किया था और फिल्म में विहान शेरगिल के रोल को एक्टर विकी कौशल ने आउटस्टैंडिंग वे में प्रेजेंट किया है। फिल्म उरी अब तक की टॉप इंडियन एक्शन वॉर फिल्मों में से एक मानी जाती है, जिसे इंडियन क्रिटिक्स और ऑडियंस ने बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स और प्यार दिया था। कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। मटोस, इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाय सर। हाउ इज द जोश? हाय सर। जय हिंद। जय हिंद।
तो वेल व्यूअर्स, ये थी आज की टॉप 10 इंडियन हिस्टोरिकल बॉलीवुड एक्शन वॉर ड्रामा मूवीज़। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है। हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा कर जाना और घंटी के पर भी ज़रूर लगाना। और इस टॉप 10 लिस्ट की कौन सी मूवी आपको बेस्ट लगती है और क्या बॉलीवुड को और ऐसी फिल्में बनाना चाहिए, आपकी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और याद रखें, जय हिंद।